हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिनों एल्गो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स इस फील्ड में आ गए हैं एंड वो प्रॉमिस कर रहे हैं बड़ा पैसा, वो भी कंसिस्टेंटली। अभी देखने जाए तो बाहर से तो ये बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लगता है, बट अंदर से ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च देन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी लगता है, जो सभी के बस की बात नहीं है। बट स्टिल, अगर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है एल्गो ट्रेडिंग, तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी है जहाँ पे हमने एल्गो ट्रेडिंग कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप इसमें डिस्कस किया है। एंड लेट्स से अगर आपको ये एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो एज अ बिगिनर क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर अगर आप एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो और एल्स आपने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है एंड बिगिनिंग स्टेज में हो, तो आप ये वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले आता है लैक ऑफ रिसर्च। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, मैं कोई वेबिनार अटेंड करूँगा या ट्रेनिंग अटेंड करूँगा और यहाँ पे ट्रेनर रहेगा, वो मुझे कुछ ऐसा बैक टेस्टिंग रिजल्ट दिखाएगा, तो जहाँ पे ये 2020 से लेके 30th सितंबर तक का बैक टेस्ट रिजल्ट है, विच इज़ 2.5 years। ओके, एंड अगर आप देखोगे तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 15,000, एवरेज लॉस ऑफ जस्ट 2,600 एंड विनिंग प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 30%, क्योंकि ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। ये स्टैट्स देख के तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे क्योंकि जस्ट 2.5 years में अगर मैं कैपिटल रिक्वायरमेंट पकड़ूँ, ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार ही रहेगा, तो 3,35,000 इन 2.5 years, तो विच इज़ 1,34,000 ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000, दैट इज 13 times returns। तो लेट्स से आपको ये स्ट्रैटेजी मिला बाय अटेंडिंग एक वेबिनार या ट्रेनिंग और व्हाटसोएवर, बट अभी इसमें हम हमारे खुद के रिसर्च का एक तड़का लगाते हैं। अगर किसी ने आपको ये स्ट्रैटेजी दिखाया है तो डू नॉट फॉलो इट ब्लाइंडली कि अगर आज मुझे ये स्ट्रैटेजी मिल गया तो कल से मैं मेरे अकाउंट में लाइव ना कर दूँ। एक तो ये बहुत ज़्यादा कम टाइम फ्रेम का रिसर्च है, 2.5 साल बहुत कम है, मे बी ये 2.5 साल में ही ये स्ट्रैटेजी चलता होगा, इसीलिए ऐसा रिसर्च रिपोर्ट दिखाया गया हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा डेटा अवेलेबल हो उस पर टेस्टिंग कर देना चाहिए। ये बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी है तो 2017 से प्रॉपर डेटा अवेलेबल रहेगा। तो सेम स्ट्रैटेजी मैंने क्या किया, मैंने थ्रू आउट द ऑल ईयर्स 2017 से लेके अभी तक मैंने टेस्ट कर दिया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉडाउन 71,000 के ऊपर है। यहाँ पे उन्होंने कोई भी स्लिपेजेस वगैरह ऐड नहीं किए थे, मैंने थोड़े स्लिपेजेस भी ऐड कर दिए ताकि ये रिजल्ट्स थोड़े रीजनेबली रिलायबल हो जाए। ठीक है, तो ये हमने किया कि जितना ज़्यादा डेटा अवेलेबल हो उतना डेटा गैदर करके उस पर बैक टेस्टिंग रिपोर्ट जनरेट करें। अब आप देखोगे कि ये 28 अगस्त 2018 को मेरा क्यूमुलेटिव PNL था 1,48,000 एंड अगर मैं नेक्स्ट ईयर जाऊं, दैट इज 7 जुलाई 2020, वहां भी मेरा नेट PNL 1,50,000 है। तो पूरे साल में, मतलब 2018 अगस्त से लेके जुलाई 2020, ऑलमोस्ट 2 साल में ये स्ट्रैटेजी ने कोई भी रिटर्न्स जनरेट नहीं किए हैं। ये स्ट्रैटेजी ने रिटर्न्स यही पीरियड में जनरेट किए हैं एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स या वेबिनार में यहाँ यही रिजल्ट्स आपको दिखाए जाते हैं। अगेन अगर मैं बात करूँ, अक्टूबर से ये स्ट्रैटेजी ने परफॉर्म करना बंद कर दिया है। तो मेक श्योर आप जो भी स्ट्रैटेजी लाइव करें उसे पहले खुद टेस्ट करें, ठीक है, और जितना ज़्यादा डेटा अवेलेबल हो उस पर टेस्ट करें। देन नेक्स्ट इज ओवर रिलायंस ऑन बैक टेस्टिंग। चलो मैंने तो जितना ज़्यादा डेटा अवेलेबल था उस पर बैक टेस्टिंग कर दिया, बट क्या सिर्फ बैक टेस्टिंग बस है? नहीं, आपको बैक टेस्टिंग समझना पड़ेगा। बेस्ट यहाँ पर बैक टेस्टिंग होता है 1 मिनट OHLC डेटा, ठीक है, 1 मिनट का ओपन हाई लो क्लोज डेटा पे। ये मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, मैंने तो अभी तक इंडिया में ऐसा एक भी बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं देखा जहाँ पे टिक डेटा पे बैक टेस्टिंग होता हो। तो लेट्स से अगर मेरा कोई स्ट्रैटेजी है जहाँ पे मैं कॉल और पुट बेचूँ, ठीक है, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी, व्हाटएवर इट इज़, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बेचूँ,
ठीक है, और मैं स्टॉप लॉस लगाऊँ कंबाइंड प्रीमियम पे। यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी तो सभी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट हो जाएगा, बट कोई भी प्लेटफॉर्म पे इसका रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे OHLC डेटा है। ऐसा स्ट्रैटेजी जहाँ पे कंबाइंड स्टॉप लॉसेस हो मल्टीपल लेग्स के, वहाँ पे हमें टिक डेटा चाहिए परफेक्ट रिजल्ट्स के लिए। तो अगर आप ऐसा कोई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हो जहाँ पे कंबाइंड स्टॉप लॉसेस है, एंड अगर आपने ये 1 मिनट OHLC डेटा पे टेस्ट किया हुआ है, तो वो स्ट्रैटेजी रिजल्ट रॉन्ग रहेंगे। तो उस स्ट्रैटेजी के बैक टेस्टिंग रिजल्ट पे आपको रिलाई नहीं करना है। तो ये हुआ सेकेंड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक इज नॉट अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो आई होप आप सभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट अकाउंट करते हो। जैसे कि मैंने एक बैक टेस्टिंग रिपोर्ट एक बैक टेस्ट किया है, ठीक है, यहाँ तक हमें मिल जाता है। अभी नेक्स्ट हम ऐड करते हैं एक तो लॉट साइज, क्योंकि 2017 में लॉट साइज अलग था, बाद में 20 हुआ, बाद में 25। मैं बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूँ, तो जो साल में जो लॉट साइज था हमें वही रखना चाहिए। देन बाय प्राइस में से मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ स्लिपेजेस माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6% ऑन ईच साइड बाय एंड सेल साइड, तो टोटल 1.2% स्लिपेजेस रिमूव कर दिए हैं, जो बहुत हायर साइड पे है। ये होने के बाद आपको जो भी ब्रोकरेज लगता हो, मुझे 10 रुपीज़ पर ऑर्डर लगता है, तो कंप्लीटेड ऑर्डर के लिए बाय प्लस सेल के लिए 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। तो अगर आपको 20 पर साइड लगता है, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो आपको जो भी ब्रोकरेज लगता है वो आपको उसी हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। देन उस पर STT, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, SEBI, स्टैम्प ड्यूटी, GST सभी कैलकुलेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो ब्रोकरेज एंड चार्जेस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप कोई स्ट्रैटेजी टेस्ट करते हो। अगेन लेट्स से अगर मेरा ब्रोकरेज पर साइड 5 रुपीज़ ही है, तो टोटल ब्रोकरेज 10 रुपीज़। तो लेट्स सी क्या आता है हमारा CPNL, दैट इज़ 4 लाख रुपीज़ हमारा नेट PNL आ रहा है। सेम अगर मैं जीरोदा या कोई ऐसा डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ करूँ जहाँ पे मुझे 20 पर साइड, तो क्लोज के लिए 40 रुपीज़ ब्रोकरेज लगेगा। तो हमारा क्यूमुलेटिव PNL रिड्यूस होके हो गया 3,67,000, विच इज़ ऑलमोस्ट 40,000 रुपया हमारा कम हो गया, जो ब्रोकरेज में ही चला गया। तो मेक श्योर आपको जो भी ब्रोकरेज लगता हो आप वो हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, एंड ये जो भी चार्जेस है वो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। आप NSE की वेबसाइट या किधर भी जाओगे तो आपके इसका कैलकुलेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। देन बहुत लोग ये सभी कैलकुलेट नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट इज फेलिंग टू मॉनिटर परफॉर्मेंस। अगर मैं बात करूँ ये स्ट्रैटेजी का, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, तो जनरली हम 1.5x ऑफ मैक्स ड्रॉडाउन पे वो स्ट्रैटेजी को रिमूव कर देते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस 28,742 × 1.5, तो जब भी 43,000 का ड्रॉडाउन आ गया मेरा, मैं ये स्ट्रैटेजी को रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे तो अभी ड्रॉडाउन मोर देन 70,000 चला गया है, तो ये स्ट्रैटेजी को तो कब का हमें रिमूव कर देना चाहिए था। तो आपको कंसिस्टेंटली आपका एल्गो का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना पड़ेगा। आप ये 3-4 दिन या वीकली कर सकते हो। देन इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो लेट्स चेक रिस्क मैनेजमेंट किया कैसे जाता है। तो फिर से हम एक्सेल में जाएंगे। तो ये मेरा लेट्स एक बाइंग वाला स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अभी मैं बाय वैल्यू देखता हूँ कोई भी एक ट्रेड के लिए। अगर आप मैक्स देखोगे इट इज़ 21,126, तो मुझे कोई भी एक ट्रेड लेने के लिए 21,000 रुपीज़ ही चाहिए, ठीक है, 21,216। तो इतना तो मुझे अपफ्रंट कैपिटल चाहिए, ये मैक्सिमम है, मोस्ट ऑफ द केस में वो कम ही होगा। तो मार्जिन चाहिए 21,216, और व्हाट इज़ द ड्रॉडाउन, दैट इज़ 22,228। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ड्रॉडाउन आया है ना, उसका 1.5 × 22 228,
तो ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर एक ये स्ट्रैटेजी का एक लॉट डिप्लॉय करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 55,000 का मार्जिन मेरे अकाउंट में होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे लेट से डिफाइन किया है कि नियरेस्ट प्रीमियम बैंक निफ्टी में ऐसा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट हो जहाँ पे नियरेस्ट प्रीमियम 400 हो, तो आइडियली लोग क्या करते हैं, 10,000 रुपीज़ का ही मार्जिन आप चाहिए, इन्वर्स के सिनेरियो 12,500। तो अगर मेरे अकाउंट में 12,500 रुपये हो तो मैं ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने का स्टार्ट कर देता हूँ, विच इज़ फंडामेंटली रॉन्ग। अनलेस आपके पास 54,000 रुपीज़ का कैपिटल है, आपको ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए। तो आपको हमेशा आपका रिस्क मैनेजमेंट टाइट रखना चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक्स कर रहे हो तो मेक श्योर आप कुछ काउंटर मेजर्स ले ताकि ये मिस्टेक्स आगे रिपीट ना हो। तो आई होप मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप बिगिनर एल्गो ट्रेडर हो तो क्या मिस्टेक्स कर सकते हो एंड उसके प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशंस भी क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।